अगर शैम्पू को बालों पे ऐसे यूज़ किया तो बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और डे बाय डे आपके बाल लॉन्ग और मजबूत होंगे। मैंने भी यूज़ किया, रिजल्ट आपके सामने है। हेलो गाइस, दिस इज शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शैम्पू को अपने बालों पे कैसे यूज करो वॉश करते टाइम, ताकि आपके बालों पे थोड़ा भी इफेक्ट ना पड़े, झड़े कम और बहुत ही ज़्यादा आपके बाल स्ट्रांग हो। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। गाइस, ऐसे आपको मग में पानी लेना है और ऐसे शैम्पू को उसी में डाल लेना है, देन घोल बना के आपके बालों पे अपने यूज करना। आप देखो, ऐसे ही आपको यूज करना है। डायरेक्ट शैम्पू को बालों पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जितना केमिकल वगैरह रहता है उसी वही जगह पड़ के खराब इफेक्ट पड़ाता है। तो ऐसे आप यूज करोगे शैम्पू अपने बालों पे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो यूज करके जरूर देखना एक बार। और बालों को हमेशा पीछे रख के कभी भी नहीं आपको हेयर वॉश करनी चाहिए, आपको बालों को पूरे आगे करके जैसे मैंने करा है वैसे ही आपको शैम्पू करना है, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बालों का, सिर का, जिससे आपके बाल बनते हैं मजबूत, घने और झड़ते नहीं हैं। तो ये है शैम्पू को बालों पे यूज़ करने का सही तरीका। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हम यूज़ करेंगे कंडीशनर। कंडीशनर यूज़ करने के बाद बालों को अच्छे से धो लेंगे, देन उससे थोड़ा सूख जाने के बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे। और महीने में आप एक बार मास्क जरूर यूज़ करना, मेरे आइडिया को जरूर फॉलो करना और उसका बेनिफिट देखना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल रही हूँ, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को हिट, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड टेक केयर।